हेलो, मैं बर्मास्टर क्लास में प्रशांत आपका स्वागत करता हूँ। हमने इसकी दो क्लास पहले, चार क्लास हम पहले पढ़ चुके हैं। आज ये नेक्स्ट क्लास है, तो हम इसकी पहले कुछ क्लासेज पढ़ चुके हैं, हम इसको आगे लेके चल रहे हैं। आज हम कुछ और वोकैब पढ़ेंगे, तो ये कन्फ्यूजिंग वोकैब्स है। और मैंने जैसे आपको बताया था कि बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर क्या होता है, एग्जामिनर इसका अपना अपने को क्या होता है, फायदा उठाता है। एग्जामिनर क्या होता था, फायदा उठाता है, और इससे हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो हम उसी टाइप की कुछ वोकैब करेंगे, ताकि क्या कर सके, आगे अगर एग्जाम में इस टाइप से इनमें से कोई वर्ड दिया हुआ हो तो आगे हमारा गलत नहीं हो। क्या होता है, कौन कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा क्या है वर्ब है, तो हम क्या कर देते हैं, हमको पहचान नहीं पाते कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करना है। बेसिकली होते कुछ वर्ड होते हैं बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं ना, हम उनमें डिफरेंस नहीं पता पाते। कहीं पे ई का डिफरेंस होता है, कहीं पे ए का डिफरेंस होता है ना, तो उससे कहीं पे टी का डिफरेंस होता है, तो उससे क्या हो जाता है, पूरा नाउन वर्ड, पूरा का पूरा वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो हम उससे क्या कर जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। तो हम आज उसी कुछ वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसी के लिए हम आज वर्ड को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज आज का पहला वर्ड शुरू करते हैं। तो दो वर्ड है, पहला है बेटा फोर्स, पहला क्या है फोर्स, और दूसरा क्या है फोर्स। देखो दोनों के दोनों मतलब फोर्स है। पहले का मतलब होता है मोटा, यानी कि या रफ, यानी कि समतल नहीं। बेसिकली क्या होता है, जैसे इस टाइप का कोई होता है ना, जिग 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 थोड़ा अपने खुरदरा टाइप, बेसिकली उसका मतलब होता है खुरदरा। तो जो फोर्स का मतलब होता है खुरदरा, या फिर कोई मोटा टाइप का जो कपड़ा होता है, या फिर कोई सरफेस होती है, उसका मतलब होता है। इसका मतलब आपको सबको पता है, फोर्स का मतलब होता है किसी कार्य का सिलसिलेवार रास्ता, ए लाइन ऑफ एक्शन। मतलब कोई काम हो रहा है एकदम फोर्स से, मतलब कंटिन्यू हो रहा है। जैसे मैंने आपको सपोज करो पहले पहला लेक्चर बताया, फिर दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, तो ये क्या हो रहा है, एक तरह कोर्स चल रहा है ना। एक डॉक्टर भी आपको रिकमेंड करता है कि ये कोर्स लीजिए, तो दो टाइप के कोर्स हो गए समझ में आ गई। इसके लिए हम देखो सेंटेंस में मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, एक कोर्स वुलन क्लॉथ, यानी कि एक मोटा क्या था, वुलन का क्लॉथ था, है ना। तो दूसरा वर्ड आता है, एक दूसरा वर्ड है देखो कोर्स के लिए, द रोड अडॉप्ट ए टोर्चुअस कोर्स अलोंग द कोस्ट। अच्छा, टोर्चुअस का मतलब होता है बेटा घुमावदार। एक्चुअली में क्या होता है, घुमावदार, घुमावदार, जैसे टोर्चुअस का मतलब घुमावदार, जैसे आप देखते हो ना पहाड़ होते हैं, पहाड़ पहाड़ वगैरह होते हैं ना, पहाड़ वगैरह, तो उनका रास्ता ऐसे होता है ना ऐसे, तो इसका मतलब होता है टोर्चुअस। समझ में आ गई, ठीक है। तो क्या हुआ देखो, द रोड अडॉप्ट ए टोर्चुअस कोर्स, कोर्स यानी कि रास्ता उसने अडॉप्ट किया, कौन सा, टोर्चुअस कोर्स, यानी जो रास्ता था अलोंग द कोस्ट, जो कोस्ट मतलब किनारे के था ना। द रोड द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड ए कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, जो डॉक्टर ने क्या किया, एंटीबायोटिक्स का कोर्स उसको क्या किया, प्रिस्क्राइब कर दिया। ठीक, प्रिस्क्राइब करना जानते हो ना, प्रिस्क्राइब वगैरह। तो चलो आगे बैठते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है अपना, एक तो है कॉन्फिडेंट और दूसरा भी कॉन्फिडेंट। देखो दोनों के दोनों कॉन्फिडेंट है, लेकिन डिफरेंस कितना है। हम बोलते हैं ना आई एम कॉन्फिडेंट, तो वो होता है ई वाला, जो ई वाला होता है ना, श्योर वाला। देखो इसमें आ रहा है श्योर, श्योर में क्या आ रहा है, इसमें भी ई आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, कॉन्फिडेंट और श्योर में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। लेकिन आप देखो कॉन्फिडेंट मतलब होता है एक, आप होते हैं ना, दिस इज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये क्या है बेटा, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, यानी कि बहुत ही राज की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसकी बात कर रहा है। यानी कि आप यहाँ देखो कॉन्फिडेंट का मतलब क्या हो रहा है, ए आ रहा है जहाँ पे, कॉन्फिडेंट का मतलब क्या हो रहा है, राजदार, यानी कि जहाँ पे क्या होता है, फुल फुल ऑफ सीक्रेट्स हो, कॉन्फिडेंट हो, है ना, वो ए वाला है ना, जहाँ पे क्या हो, सारी की सारी चीजें सीक्रेट हो, है ना, तो वो क्या होता है, ए वाला। और ई वाले का मतलब क्या होता है, आई एम, आत्मविश्वास से भरा हुआ, आत्मविश्वास के साथ। समझ में आ रही है, देखो कौन सेंटेंस मैंने यहाँ पे डाला है, बिकॉज माई हस्बैंड इज माई कॉन्फिडेंट, आई फील एज दो ए आई कैन टेल हिम एनीथिंग विदाउट द इंफॉर्मेशन बिकमिंग पब्लिक। यानी कि उसने क्या बोला कि मेरा जो हस्बैंड है उसको वो क्या कॉन्फिडेंट है, नहीं सारी चीजें अपने तक रख लेता है, तो मैं उसे कुछ भी बता सकती हूँ, कुछ भी शेयर कर सकती हूँ, ताकि वो कभी पब्लिक में नहीं जाके बोलेगा कि मैंने उसको क्या बोला। ठीक है, ऐसी बात है ना। नेक्स्ट वर्ड आता है अपना कॉन्फिडेंट। देखो इसका मतलब आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई एबिलिटी टू डू द जॉब, यानी कि मेरे को अपनी जो एबिलिटी है, जैसे मेरे को अपने आप पे पढ़ाने पे एबिलिटी है, आपको पढ़ने पे एबिलिटी है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करने की एबिलिटी है, तो ये क्या हो रहा है, आपको अपनी कॉन्फिडेंट, आपको अपनी एबिलिटी कैपेसिटी के ऊपर क्या है, फुल कॉन्फिडेंट है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है अपना, पहला आता है कॉन्टिजियस, दूसरा आता है कॉन्टेजियस, और तीसरा आता है इन्फेक्शियस। तीन वर्ड है देखो, तीनों के तीनों वर्ड ध्यान से समझना। पहला आता है कॉन्टिजियस, पहला होता है कॉन्टिजियस, इसका मतलब होता है बेटा कोई चीज आपस में लगी हुई होती है ना, जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे कोई एक फील्ड है, यानी कि खेत है, फिर उसके बाहर पास में कोई दूसरा खेत लगा हुआ, तो दोनों के दोनों आपस में खेत लगे हुए हैं ना, तो मतलब क्या हो रहा है, दोनों के दोनों कॉन्टिजियस, एक के बाद में एक लगे हुए। देखो एग्जाम्पल मैंने डाल रखा है, द टू स्टेट्स आर कॉन्टिजियस विद टू ईच अदर, बट
लॉज आर क्वाइट डिफरेंट, यानी कि दोनों के दोनों स्टेट है बहुत आपस में लगे हैं, बट दोनों के जो लॉ है वो क्या है अलग अलग है, यानी आपस में लगे हैं। मेन बात है क्या, दोनों आपस में लगे हुए हैं। द गार्डन इज कॉन्टिजियस टू द फील्ड, यानी गार्डन किससे लगा हुआ है, जो गार्डन है वो किससे लगा हुआ है, फील्ड के पास साथ में लगा हुआ है ना। देखो नेक्स्ट है अपना कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस से मतलब जो बीमारी को किसी के छूने से फैलती है ना, उसको बोलते हैं कॉन्टेजियस, है ना। जैसे इसका, अच्छा इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, कॉन्टेक्ट, यह याद रखोगे कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट की स्पेलिंग आती है उसमें ए आता है ना, तो याद रखना कॉन्टेक्ट से कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस है ना, कॉन्टेजियस का मतलब हो गया कि जो बीमारी कॉन्टेक्ट से फैलती है, और कॉन्टेजियस हमें आया कि कॉन्टेक्ट का मतलब छूना, किसी के साथ कॉन्टेक्ट में आना, तो जो कॉन्टेक्ट से बीमारी फैलती है, ए डिजीज That spreads through contact, है ना। contact से याद रखोगे contagious, याद रखना confusion नहीं करना, contact contagious, ठीक है ना। यहाँ पे example भी डाल रखा है, it is highly contagious virus and I have a cold and I am still contagious, समझ में आ रही है, मैं इससे अभी भी क्या हूँ, ग्रसित हूँ, है ना। इन्फेक्शियस का मतलब होता है, देखो जो बीमारी हवा से फैले, इन्फेक्शन कैसे फैलता है आपके, बारिश वगैरह के अंदर इन्फेक्शन फैल जाता है, नहीं फैलता, मतलब हवा वगैरह से जो इन्फेक्शन फैल जाता है, तो जो बीमारी हवा और पानी से फैले ना, उनको बोलते हैं इन्फेक्शन। आपको पता है ना, आप जैसे कोई मतलब खराब पानी लग जाता है तो भी इन्फेक्शन हो जाता है ना, आप हवा से भी कॉन्टेक्ट में आने से इन्फेक्शन हो, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। तो जो इन्फेक्शन क्या होता है, जो इन्फेक्शन से याद रखो, इन्फेक्शन इन्फेक्शन हवा और पानी से फैलता है, तो जो इन्फेक्शन होती है, जो बीमारी हवा और पानी से फैले वो क्या होगी, इन्फेक्शन डिजीज होगी। इन्फेक्शन मतलब जो हवा और पानी से फैले, और इन्फेक्शन मतलब जो डिजीज किससे फैले बेटा, इन्फेक्शन जो हवा और पानी के थ्रू फैले, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने डाल रखा है कोरोना वायरस जो इन्फेक्शन डिजीज, हवा और पानी से फैलता है, दूसरी बात है, मतलब हवा से फैलता ही नहीं फैलता, बस वही बात है। नेक्स्ट वर्ड आते हैं अपने, थ्री वर्ड है, देखो तीनों तीनों वर्ड ध्यान रखना, तीनों की तीनों याद रखोगे। कॉर्प्स मतलब क्या हो रहा है बेटा, सेना की टुकड़ी, कॉर्प्स का मतलब क्या हो रहा है, सेना की टुकड़ी। नेक्स्ट वर्ड दूसरा भी कॉर्प्स है, लेकिन यहाँ पे ई डाला हुआ है, देखो मैंने आपको बताया था ना, एक ई के कारण पूरा का पूरा मीनिंग चेंज होता है, इसका मतलब होता है डेड बॉडी ऑफ ए पर्सन। अब इसको याद कैसे रखोगे, तीसरा वर्ड मैं बताऊंगा अभी, इस पे दो पे फोकस करो, इसका मतलब क्या हो गया। देखो यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है पर्सन, पर्सन में ही आता है ना, PERS, है ना, यहाँ पे PSE आ रहा नहीं आ रहा, दोनों से याद रखो कि जो पर्सन की डेड बॉडी होती है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्प्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्प्स बोलते हैं। और जो विदाउट ई वाला होता है उसका मतलब क्या होता है, सेना की टुकड़ी, यानी कि ए डिवीजन ऑफ आर्मी। मैंने एग्जांपल डाल लिखा है, एग्जांपल देखो, दे वर फाइटिंग एज परमानेंट आर्मी कॉर्प्स, वो क्या कर रहे थे। दूसरा एग्जांपल है, देयर आर पीपल अबाउट हु कुड रिक्रूट इनटू ए कॉर्प्स फॉर पर्पस, मतलब क्या हो सकते हैं, जो कॉर्प्स के अंदर क्या किसी पर्पस से क्या होते हैं, रिक्रूट किए जाते हैं, उनकी बात है। देखो देयर आर पीपल अबाउट हु कुड बी रिक्रूटेड इन ए कॉर्प्स फॉर ए पर्पस, जो किसी कॉर्प्स मतलब किसी आर्मी की जो टुकड़ी के अंदर क्या होते हैं, किसी पर्पस के लिए, किसी उद्देश्य के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब भर्ती किए जाते हैं, बेसिकली वही बात है। कॉर्प्स का मतलब होता है, पुलिस फाउंड द कॉर्प्स ऑफ द मिसिंग वुमेन आउटसाइड ऑफ हर फ्रेंड्स अपार्टमेंट ऑफ बिल्डिंग। तो हमें यार ये इजी बात है कि मैंने आपको बता दिया कैसे याद रखना है, कॉर्प्स का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर PERSON मतलब क्या हो रहा है, जिसके अंदर डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन आ रही है, डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन है, ठीक है, पर्सन में है, डेड बॉडी ऑफ पर्सन। थर्ड वर्ड अपना बेटा कॉर्पस, यानी कि इसके अंदर क्या आ रहा है, CAWS आ रहा है, CAWS एंड डेड बॉडी ऑफ ए लार्ज एनिमल। अब देखो इसको भी कैसे याद रखोगे, एनिमल में ANIMAL आ रहा है, इसमें भी CAR आ रहा है। देखो वर्ड तो आपको याद करने पड़ेंगे, वर्ड याद करने पड़ेंगे और याद भी हो जाएंगे, लेकिन मेन बात है कि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बता रहा हूँ कि एनिमल में याद रखोगे CAWS आ रहा है और उसमें CORPSER है ना, तो PSE का मतलब पर्सन, PSE का मतलब पर्सन, और जो CAWS वाला है मतलब एनिमल, ठीक है। एनिमल की डेड बॉडी को क्या बोल देते हैं, एनिमल की डेड बॉडी क्या बोल देंगे, यही बोल देंगे ना, एनिमल की डेड बॉडी को CARCAWS, ठीक है, यहाँ याद रखोगे, पर्सन में मतलब CORPS, ठीक है, दोनों याद हो गए। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखो, द रेविनस लोयन टॉर एट कार्कस, मतलब क्या होता है, जो लोयन ने क्या दिया, रेविनस यानी कि जो दानव टाइप, मतलब रेविनस मतलब बहुत ही फुकार, बेसिकली फुकार, लोयन ने क्या कर दिया, टोर कर दिया, किसको, फाड़ दिया, टोर का मतलब होता है फाड़ देना, बेसिकली क्या, फाड़ देना, ठीक है, इसने किसको फाड़ दिया, कार्कस, यानी जो डेड बॉडी दो एनिमल की थी उसको फाड़ दिया, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट वर्ड आता है कॉन्शियस एंड कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब होता है हम किसी चीज को पता होता है, भाई मेरे को पता है, आई एम कॉन्शियस ऑफ हिज, जैसे मैंने बोला कि मैं उसके, मेरे को उसका पता है, मतलब क्या है, आई एम कॉन्शियस ऑफ हर, मैंने ऐसे बोल दिया, जैसे कि कॉन्शियस का मतलब बेसिकली समझो, कॉन्शियस का मतलब होता है
अवगत होना, सचेत होना, टू नो अवेयर ऑफ एंड रेस्पॉन्डिंग टू वन वन सराउंडिंग, यानी आसपास क्या चीजें हो रही है उससे कॉन्शियस होना कि मैं आई एम कॉन्शियस ऑफ माई होम, मतलब मेरे को घर के बारे में पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है। बेसिकली बात ये कंसियसनेस का मतलब होता है बेटा, जो अपनी ड्यूटी के ऊपर फुल विद ए सेंस ऑफ ड्यूटी, यानी ईमानदार या फिर जमीर वाला, जिसके अंदर क्या हो जमीर हो, जमीर जानते हो ना, तो वही बात है। तो इजी एक सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस समझ समझ में आ जाएगा। सी वाज वेरी कॉन्शियस ऑफ मैक्स स्टडी हर, मतलब उसको पता था कि मैक्स क्या पढ़ रहा है कैसे पढ़ रहा है, तो उसके बारे में। दूसरा वर्ड है इफ यू आर कॉन्शियस ऑफ समथिंग यू नोटिस इट और रियलाइज दैट इट इज हैपनिंग, मतलब अगर तुमको पता है कि क्या हो रहा है तो तुमको पता चलेगा कि एक्चुअली में ये हो रहा है, मतलब तुमको अगर चारों तरफ हो रहा है उसको पहले पता हो गएगा ना, तो तुमको नॉलेज हो जाएगा भाई, अवगत होना किसी चीज के बारे में, नॉलेज होना। बेसिकली कॉन्शियस का मतलब क्या हो रहा है, किसी चीज के बारे में टू हैव नॉलेज, क्या होता है किसी चीज के बारे में नॉलेज होना, बेसिकली बात यही है। कंसियसनेस का मतलब होता है ए कॉन्शियस मैन एंड ही टुक हिज ड्यूटी वेरी सीरियसली, मतलब क्या होता है कंसियसनेस, मतलब क्या हो रहा है जो आदमी जमीर वाला ईमानदार होता है, जो अपनी ड्यूटी को फुल क्या बोलते हैं फुल दायित्व के साथ निभाता है, फुल अपने बोलते हैं ना कि मैं अपनी ड्यूटी को फुल दायित्व के साथ निभा रहा हूँ कि मेरे को ये करना है ना, कुछ तो बोलते हैं ड्यूटी बजाने जाते हैं, कुछ एक्चुअल में ड्यूटी निभाते हैं, समझ में आ रही है। ऐसे होता है भाई गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, कुछ तो एक्चुअल में ड्यूटी करते हैं, आप कहीं पे गए और आपका काम तुरंत हो गया, आपने बोला कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, वैसे हो गया, तो मतलब क्या हो रहा है कि आप अगर आपके अंदर सेंस ऑफ ड्यूटी, आप अपना काम ईमानदार से कर रहे हो, तो वो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, समझ में आ रही है। तो आगे नेक्स्ट वर्ड आते हैं अपने, पहला आता है कंप्लेन और दूसरा आता है कंप्लेंट, देखो दोनों के दोनों वर्ड समझो, जिसमें टी आता है, जिसमें टी आता है वो नाउन होता है, और जिसमें कंप्लेन यानी जिसमें टी नहीं आता वो विदाउट टी वाला क्या होता है वर्ब होता है। देखो दोनों के दोनों याद करने का तरीका क्या है, जूनियर एनटीआर को जानते हो सब, जूनियर एनटीआर को जानते हो एक्टर है, तो एनटीआर से याद रखोगे जहाँ पे एन और टी, यानी नाउन एन का मतलब हो गया क्या हो गया नाउन, और टी का मतलब क्या हो गया कंप्लेन वाला टी, जिसमें टी आता है मतलब वो क्या है नाउन है, ठीक है ये याद रखोगे। अच्छा जिसको ये ट्रिक्स लेनी है वो लोग, अगर डायरेक्ट आपको याद है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर डायरेक्ट याद होता है कोई बात नहीं, ठीक है बहुत बढ़िया बात है। चलिए मैंने आपको बताया कंप्लेंट, कंप्लेंट मतलब वर्ब यानी शिकायत करना, टू से दैट समथिंग इज रॉन्ग और नॉट सेटिस्फेक्टरी, मतलब क्या होता है आप किसी चीज से सेटिस्फाई नहीं हो तो उसी की कंप्लेंट करते हो, समझ में आ रही है जो चीज बता रहा हूं मैं, आपको किसी चीज से सेटिस्फाई नहीं हो तो उसी की कंप्लेंट करते हो। देखो एग्जाम्पल मैंने डाल रखा है, लोकल अथॉरिटीज कंप्लेंट दैट दे लैक्ड सफिशिएंट रिसोर्सेज, लोकल अथॉरिटीज ने क्या किया कि उनके वो क्या कर रहे थे सफिशियंट रिसोर्सेज को क्या कर रहे थे लेक कर रहे थे, है ना, उन्होंने ये कंप्लेन किया। यहाँ पे देखो कंप्लेन यहाँ पे ई आर है ना ई डी आर है, मतलब क्या हो रहा है कि ये वर्ब की तरह यूज हुआ। देखो नेक्स्ट वर्ड हम कंप्लेन वाले देखते हैं, आई इंटेंड टू मेक एन ऑफिशियल कंप्लेन, मतलब मैंने क्या किया ऑफिशियल कंप्लेन की। देखो एन ऑफिशियल कंप्लेन मतलब यहाँ पे नाउन आ रहा है नहीं आ रहा, ये नाउन की तरह यूज हुआ, यहाँ पे किसकी तरह यूज हुआ ये नाउन की तरह यूज हुआ, ध्यान रखना ये ना, सी इज रिसीविंग ट्रीटमेंट फॉर स्किन कंप्लेन, यहाँ पे इसकी नाउन नाउन के साथ नाउन यानी कि नाउन के साथ यूज हुआ है। देखो यहाँ पे कंप्लेन वाला देख लो, हर हस्बैंड बिगेन टू कंप्लेन ऑफ हेडेक, मतलब जो कंप्लेन मतलब समझ में आ गया, जहाँ पे टी आता है वो नाउन वाला है और जो जहाँ पे विदाउट टी आता है वो वर्ब वाला है, ठीक है आगे आगे पढ़ते हैं। कॉम्प्लेसेंट एंड कॉम्प्लेसेंट है ना, देखो दोनों की दोनों वर्ड को समझो, पहला का मतलब जिसका मतलब ये क्या होता है, इसका मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, है ना, मैं अपने आप में कॉम्प्लेसेंट हूँ, मतलब क्या हो रहा है मैं अपने आप में क्या हूँ संतुष्ट हूँ, ठीक है। दूसरा आता है कॉम्प्लेसेंट यानी कि मतलब क्या होता है ओबीडियंट या कॉम्प्लीट यानी आज्ञाकारी, दूसरा होता है आज्ञाकारी। अच्छा इसको याद करने का तरीका बहुत ईजी है, कॉम्प्लीट का मतलब क्या होता है आज्ञाकारी, कॉम्प्लीट का मतलब होता है आज्ञाकारी और कॉम्प्लेसेंट का मतलब भी आज्ञाकारी, यानी यहाँ से ए आई आर सी ओ एम पी एल ए आई यहाँ से याद रखोगे तो सी ओ एम पी एल आई ए से याद रखोगे, दोनों के दोनों वर्ड से याद हो जाएगा आपको आज्ञाकारी, समझ आ रही है। और कॉम्प्लेसेंट का मतलब क्या होता है आप किसी प्लेस पे आराम से बैठे हो, आप किसी प्लेस पे देखो स्टोरी टाइम से सुनना, आप किसी प्लेस पे आराम से बैठे हो मतलब आप फुल संतुष्ट हो, मतलब आपके अंदर अब आपको कोई किसी चीज की लालसा नहीं, आप अपने आप से जो आपके पास आप उससे फुल संतुष्ट हो, किसी प्लेस पे बैठे हो क्या किसी पे बैठे हो या प्लेस पे बैठे हो, ठीक है दीजिए, ठीक है बहुत दीजिए, मतलब इतना हार्ड नहीं है, मैं मानता हूँ कि आपको आता होगा, इतना आप बार बार रिवाइज करोगे तो अपने आप ये चीजें माइंड में टिक हो जाती है, ये छोटी छोटी चीजें इसलिए होती है ताकि आप जब देखो बार बार रिवाइज करोगे तो ये छोटी छोटी चीजें होती है आपको कंफ्यूजन हो ना तो याद रहोगे, अच्छा प्लेस प्लेस का मतलब क्या होता था, हाँ संतुष्ट मतलब मैं आराम से बैठा हूँ किसी पेड़ के नीचे, इमेजिन करो आराम से किसी प्लेस में बैठा हूँ आराम से संतुष्ट से, है ना। और कॉम्प्लेन का मतलब कॉम्प्लेसेंट का मतलब कॉम्प्लेन से याद, अच्छा उसका मतलब क्या हो रहा था आगे का, तो ठीक है एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉम्प्लेसेंट का मतलब देख यू कांट अफोर्ड टू बी कॉम्प्लेसेंट अबाउट सिक्योरिटी, आप क्या नहीं कर सकते बेटा, यू कांट अफोर्ड कॉम्प्लेसेंट अबाउट सिक्योरिटी, मतलब आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप मतलब संतुष्टि से मतलब आपको
किसी चीज के लिए क्या रहना ही पड़ेगा, सिक्योरिटी के लिए आपको बार बार मतलब क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा ना, सीधी चीज वही बात बता रहा है। एक कॉम्प्लेसेंट पर्सन इज वेरी प्लेज विद देमसेल्फ, मतलब एक आत्मसंतोष वाला आदमी हमेशा खुश रहता है, सीधी सी बात है ना। आदमी किसी कभी भी खुश रह सकता है, किसी के पास 10 करोड़ रुपए होते हैं, किसी के पास अरबों रुपए होते हैं, है ना, किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता वो भी खुश रहता है, और किसी के पास अरबों रुपए होते हैं वो भी खुश नहीं रहता, सीधी सी बात है। वो मतलब संतुष्ट नहीं होता, उसको और चाहिए, सीधी सी बात है ना। तो आपके आदमी संतुष्ट रहने वाला, खुश रहने वाला, सेटिस्फाई रहने वाला कहीं भी रह सकता है, बेसिकली बात है, ठीक है। कॉम्प्लेंट का मतलब देर आर टू मेनी कॉम्प्लेसेंट डॉक्टर्स साइनिंग सिक नोट्स, यानी कि बहुत सारे कहते हैं वो बहुत सारे कहते हैं बेटा आगे आगे डॉक्टर्स थे जो क्या सिक नोट्स साइन कर रहे थे, है ना। सीधी से आगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड में। पहला आता है बेटा कॉम्प्लीमेंट और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट। देखो जो आप बोलते हो ना कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है कॉम्प्लीमेंट एंड तारीफ वाला दे रहा है। एडमायर से याद रखो कि ADMIRA, एडमायर यानी कि क्या मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आई इसमें भी आई आ रहा है, इसमें भी आई आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है एडमायर का मतलब क्या हो रहा है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि तारीफ करना, किसी की तारीफ करते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने फेंडेज डाल रखा ही कॉम्प्लीमेंटेड एरिका ऑन हर अपीयरेंस, उसने उसकी अपीयरेंस मतलब जब वो आई तो उसको क्या किया कॉम्प्लीमेंट किया, ठीक है। उधर दिखाई दी सी पेड मी एन एनॉर्मस कॉम्प्लीमेंट, एनॉर्मस मतलब होता है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बड़ी मतलब कॉम्प्लीमेंट दिया, वो ताली वाले बजा के मतलब कॉम्प्लीमेंट होना की ओ क्या लग रहे हो, वैसी बात है ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो रहा है देखो, ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जैसे कोई चीज एक दूसरे को पूरा करने वाली होती है ना, इसका मतलब होता है ना। देखो यहाँ पे क्या होता है पूरक, ये दो टाइप से होता है, पहला तो होता है नाउन और दूसरा होता है वर्ब। देखो ए थिंग दैट कंप्लीट्स और इम्प्रूव, दूसरा होता है एड टू समथिंग इन ए वे दैट इज इम्प्रूव, मतलब क्या हो रहा है दो चीजें एक दूसरे को पूरा कर रही है तो उनके लिए कॉम्प्लीमेंट अगर नाउन की तरह यूज हो रहा है ना, और हम अगर किसी के बाद में एड करते हैं अगर वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, यानी कि हम उसको जो वर्ड होता है ना उसको इम्प्रूव करने के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो हमको वर्ब की तरह यूज करना है, लेकिन अगर दो चीजें एक दूसरे के क्या है पूरक है, पूरक तो जानते हो ना एक दूसरे को कंप्लीट कर रही है, तो उसके लिए वर्ब नाउन की तरह यूज करेंगे। वर्ब की तरह कब यूज करेंगे जब हम किसी चीज को इम्प्रूव करना हो, बेसिकली बात यही है, ठीक है। तो हम यहाँ नाउन की तरह कब यूज करेंगे, वर्ब की तरह कब यूज करेंगे, अच्छा जिसको हमने वापस रिपीट करके देखना। लोकल एलीज प्रोवाइड द परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू द फाइन फूड, यानी कि इन्होंने क्या किया परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड किया किसी को, क्या होता है फाइन फूड को, है ना, जो क्या करते हैं किसी चीज को क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं, बेसिकली बात ये, ठीक है। आगे देख वर्ड आते हैं अपने नेक्स्ट आता है कस्टम एंड दूसरा आता है हैबिट। देखो कस्टम कस्टम दो वर्ड समझो, कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज या सामाजिक नियम, है ना, बेसिकली बात है प्रथा वगैरह किसी की, है ना। लेकिन एक वर्ड होता है कस्टम सीमा शुल्क, यानी कि आप देखते हो ना ये कस्टम लगा है, कस्टम तो आपको सबको बताओ ना कि बाहर से चीज इंपोर्ट करते हैं तो कस्टम वाले पकड़ लेते हैं, आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा कस्टम वाले एयरपोर्ट पे कस्टम वाले रहते हैं, जो क्या होते हैं बाहर आप आते हो तो वहां पे कस्टम वाले रहते हैं कि आपने उसका टेस्ट दिया, अगर आप चोरी वगैरह से मतलब सपोज करो आपने बिना टेस्ट दिए कोई लेके आते हो, अगर आप बाहर से बोर्ड लेके आ रहे हो एग्जाम्पल में समझो कि आप बोर्ड लेके आ रहे हो तो भी आपको क्या करना पड़ता है टेस्ट देना पड़ता है ना। उस बोर्ड का मतलब एक फिक्स अमाउंट होता है, उससे अगर ज्यादा आप लेके आ रहे हो बाहर से कोई चीज तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है गवर्नमेंट को टेस्ट देना पड़ता है, उसी को बोलते हैं कस्टम, ठीक है। कस्टम ड्यूटी बोलते हैं ना, कस्टम ड्यूटी का मतलब दूसरा होता है कस्टम का मतलब रीति रिवाज होता है। देखो पहला मतलब बताते हैं ओल्ड इंग्लिश कस्टम ऑफ डांसिंग राउंड द मेपोल, मतलब जो क्या था पुरानी रीति रिवाज था कि उसके चारों तरफ डांस करने का, ठीक है, इजी बात है। इट इज अवर कस्टम टू विजिट द लेक डिस्ट्रिक्ट इन अक्टूबर, मतलब ये हमारा रीति रिवाज था, ये हमारी क्या थी प्रथा थी कि हम हर साल कहाँ घूमने जाते थे बेटा, हम कहाँ घूमने जाते थे लेक डिस्ट्रिक्ट में घूमने जाते थे, ये हमारे कस्टम था, ठीक है। हैबिट का मतलब हमको पता है, हैबिट का मतलब देखो सी एज एनोइंग हैबिट ऑफ इंटरप्टिंग मी, मतलब उसको बार बार मेरे को इंटरप्ट करना, इंटरप्ट का मतलब डिस्टर्ब करने की क्या थी बहुत ज्यादा एनोइंग हैबिट थी, है ना, तो ये तो सबको पता है। नेक्स्ट वर्ड आता है हैबिटेट, मेन वर्ड है हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब होता है निवास स्थान, हैबिटेट का मतलब क्या होता है निवास स्थान, जहाँ पे आप कोई रहता है ना उसका मतलब होता है हैबिटेट, ठीक है, आवास या निवास स्थान। देखो वाइल्ड सिम्स और इन देयर वाइल्ड सिम्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, तो नेचुरल हैबिटेट के अंदर है जैसे जंगली जानवर होते हैं वो कहाँ रहते हैं बेटा नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, वो कोई घर बना के थोड़े रहते हैं, तो नेचुरल हैबिटेट हो गया जहाँ पे लोग जहाँ पे आसपास कोई एनिमल्स वगैरह रहते हैं, वो भी क्या हो गया हम जहाँ पे रहते हैं वो भी एक तरह का हैबिटेट ही होता है ना, जहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह यहाँ पे पूरा का पूरा घर में रहते हैं, तो वो क्या हो गया एक तरह का हैबिटेट हो गया जहाँ जो रहने लायक हो बेसिकली, ठीक है। आगे वर्ड आता है कंपोज और दूसरा होता है कंप्राइज। देखो कंपोज का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, कंपोज का मतलब होता है देखो बनाना यानी कि मेकअप द होल, पूरा का पूरा बनाना। देखो द नेशनल कांग्रेस इज कंपोज्ड ऑफ 10 सेनेटर्स, जो नेशनल कांग्रेस है वो कितने सेनेटर से मिलकर बनी हुई है 10 सेनेटर्स से, है ना, तो कंपोज्ड ऑफ का मतलब समझ में आ गया। लेकिन बात ध्यान रखने की क्या है, बात ध्यान रखने कंप्राइज का मतलब होता है से बना हुआ होना, शामिल होना, सम्मिलित करना, कंसिस्ट ऑफ,
बात यह भी टू बी मेड अप हो, देखो इसमें दे, मेकअप द होल इसमें क्या है टू बी मेड अप हो, यानी कि किसी चीज से बना हुआ होना, इसमें कंपोज का मतलब होता है बनाना और कंप्राइज का मतलब होता है किसी चीज से बना हुआ होना, समझ में आ गए बेसिकली बात है। लेकिन बात ध्यान रखने की यह है कि कंपोज के साथ तो ऑफ लगता है लेकिन कंप्राइज के साथ कभी ऑफ नहीं लगता, कंप्राइज के साथ ऑफ क्या नहीं लगेगा कभी नहीं लगेगा, बात हमेशा ध्यान रखने की है कि कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगेगा, लेकिन कंप्राइज का दूसरा मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, यानी कंसिस्ट ऑफ के साथ हमेशा ऑफ लगेगा। द कंट्री कंप्राइजेस 20 स्टेट्स, यानी दो कंपनी कितने स्टेट से मिलकर बनी हुई है 20 स्टेट से मिलकर बनी हुई है ना, या फिर इसके साथ कंसिस्ट ऑफ भी लिख सकते हैं लेकिन कंप्राइजेस के साथ ऑफ यूज नहीं कर सकते। समय आ गई, यहाँ पे लास्ट वर्ड है ही कंपोज द फर्स्ट वायलिन सोनेट 4 ईयर्स अर्लियर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दिस सिंगल ब्रेड कंप्राइजेस 50% ऑफ द स्विस कैटल पॉपुलेशन, ये किससे जो सिंगल ब्रीड थी वो किससे बनी हुई थी 50% ऑफ, देखो स्विस कैटल पॉपुलेशन, कैटल से आपको पता है जानवरों को बोलते हैं, तो उससे बनी हुई थी, ठीक है। चलो आज के सेंटेंस को रिवाइज करना, अच्छा मैं आपके लिए वर्ड छोड़ के जाता हूँ, पहला आता है सिमेट्री, पहला आता है सिमेट्री, दूसरा आता है सिमेट्री, देखो दोनों वर्ड की अगर आपको पता है, आपने अगर लास्ट वीडियो देखा है तो दोनों का रिप्लाई कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, ठीक है, मैं आपको वहां पे आपको हर्ट मिलेगा, ठीक है। दोनों के दोनों वर्ड का अगर मीनिंग पता है, अगर नहीं पता तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे पिछले वीडियो के आपको मतलब लिंक मिल जाएंगे। ये वीडियो को लाइक कीजिए, अपने जिस जो जो फ्रेंड्स या फैमिली जो आपकी प्रिपरेशन कर रहे हैं इसकी, इनको जरूरत है उनके पास शेयर कीजिए, है ना, सब इसका फायदा उठाइए, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, है ना, ताकि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है।